हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ पान के पत्तों से कुल्फी। पान की कुल्फी आपने सुनी तो बहुत होगी, आज हम बना के भी देखेंगे। पान के कई सारे गुण हैं, इसको खाने के कई सारे फायदे भी हैं। तो ऐसे फ़ायदेमंद और टेस्टी पत्ते से आज हम बनाते हैं पान की कुल्फी। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। यहाँ पे मैंने लिया है शुद्ध गाय का दूध है, ये आप चाहो तो पैकेट का भी दूध ले सकते हो, ये 4 कप है। और यहाँ पे मैंने लिया है शक्कर 1 टेबलस्पून है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। ये मिल्क पाउडर 1 स्पून है। ये पान के पत्ते थोड़े छोटे हैं, ये घर के हैं इसलिए मैंने 4 यूज़ किए। अगर आप परचेस करोगे तो 2 या 3 ले सकते हैं। वो खजूर है और ये काजू है जिनको छोटा छोटा काट लिया है। बादाम है, पिस्ता है और ये गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं। ये 1 टीस्पून सौंफ है और ये इलायची को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। तो आइए हम बनाते हैं। यहाँ पे दूध में कप से बराबर 4 कप ले रही हूँ। 4 कप मैंने दूध लिया है। अब मैंने इसको गैस पे रख के गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब इसको मैं हाई फ्लेम पे तब तक रखूँगी जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आता है। जैसे इसमें एक बॉयल आएगा मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको एकदम स्लो कर दूँगी, धीमी आँच पर ये पकता रहेगा। जब तक ये पकता रहेगा तब तक हम लोग पान का मिश्रण बना लेते हैं। ये पान के पत्ते हैं, इसको मैंने छोटा छोटा तोड़ लिया है, तोड़ के मिक्सी के जार में डाल दिया है। तोड़ने से ये अच्छे से पिसाएगा। अब मैंने इसमें डाल दिया है गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं। अब गुलाब की पंखुड़ियाँ नहीं है तो यहाँ पे आप 1 स्पून रोज वाटर भी यूज़ कर सकते हो। और ये है सौंफ। अब मैं इनको मिक्सी में एकदम अच्छे से फाइन पेस्ट बना लूँगी, फाइन या थोड़ा सा दरदरा भी चलेगा। मिल्क पाउडर मैंने 1 स्पून लिया है, इसको मिक्स करके साइड में रख दिया। अब आप देख सकते हैं दूध काफ़ी पक चुका है, ये आधा हो गया है। अब मैंने यहाँ पे ऐड किया 1 टेबलस्पून शुगर। आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, बट ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करने से जमेगा नहीं। अब मैंने ऐड किया है मिल्क पाउडर का पेस्ट जो बना के रखा था, थोड़ी देर और पकाया है। थोड़ी देर पकने के बाद आप देख सकते हो ये काफ़ी गाढ़ा हो गया। अब ये रेडी है कुल्फी बनाने के लिए। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, उसके बाद अब मैं इसमें मिक्स करूँगी पान के पत्ते का पेस्ट जो हमने पीस के रखा था, 5 सौंफ और गुलाब की पंखुड़ियों का। इसको मैंने इसमें मिक्स किया है, मिक्स करके इसको अच्छे से मिलाऊंगी। यहाँ पे आप चाहो तो ग्रीन कलर का फूड कलर भी यूज़ कर सकते हो, उससे मार्केट जैसा लुक आएगा, बट मैंने नहीं यूज़ किया है। ये एकदम नेचुरल ग्रीन कलर है, नेचुरल पत्ते हैं, इसका एकदम नेचुरल कलर है। अब मैंने ऐड किया है काजू, बादाम बारीक कटा हुआ, उसके बाद मैंने ऐड किया है खजूर। खजूर ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, वीडियो में तो आपको पता नहीं चलेगा बट आप इसको बना के ज़रूर देखना। यहाँ पे मैं कुल्फी सेट करने के लिए ग्लासेस यूज़ कर रही हूँ, आप डिस्पोजल ग्लास भी यूज़ कर सकते हो। ग्लास से डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट और अच्छा दिखेगा। मैंने कुल्फी मोल्ड भी यूज़ किया है, आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। अब ये पूरा मैंने इसमें डाल दिया, उसके बाद मैंने इसको सिल्वर फॉइल से कवर किया है और मैंने यहाँ पे टूथपिक यूज़ किया है। आप चाहो तो आइसक्रीम स्टिक्स भी यूज़ कर सकते हो। मैंने उसको फ्रीज़र में जमने के लिए रख दिया है। अब ये है नेक्स्ट डे, आप देख सकते हैं मेरी कुल्फी कम्प्लीटली बन के रेडी है। बहुत ही सुंदर लाइट ग्रीन कलर में दिख रहा है। अगर आपको डार्क ग्रीन चाहिए तो आप फूड कलर ज़रूर यूज़ करना। अब ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप डेफिनेटली इसको एक बार बना के ज़रूर देखना। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।